खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। लखनऊ के CMS स्कूल में हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में 91 देशों के 501 फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएंगी। लोक गायक माली अवस्थी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये एक बेहतर प्रयास है जिसे आयोजित होते रहना चाहिए। सालों में से आयोजित होने वाले बाल फिल्म महोत्सव में इस बार अलग अलग फिल्म कलाकार टीवी कलाकार भी शिरकत करेंगे। बता दें महोत्सव आगामी 15 अप्रैल से शुरू होकर 7 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। CMS स्कूल में आयोजित होने वाले महोत्सव को कानपुर रोड ब्रांच में दोपहर में आयोजित होगा। फला शो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा, वहीं दूसरा शो 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। इस महोत्सव में लखनऊ के अलग अलग स्कूल के बच्चों को निःशुल्क बाल फिल्में दिखाई जाएंगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे CMS द्वारा जो उनका बच्चों के लिए आयोजित होता है फिल्म फेस्टिवल, उसके लोगों के अनावरण के लिए बुलाया गया। ये 13वां उत्सव है और बहुत शानदार ढंग से आयोजित होता है, जिसमें विश्व भर से चुनी हुई बच्चों के लिए बनाई गई फिल्मों का प्रदर्शन होता है, जिसे बच्चे देखते हैं। मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार की यहाँ पे कवायद होती है फिल्मों को चुनने में, पूरे विश्व की, भारत की भी, उनको यहाँ पर प्रस्तुत करने के जिस प्रकार की एक एक्सरसाइज होती है, ऐसी कहीं और देखने को मिलना मुश्किल है। तो मैंने तो आज अनुरोध किया कि बच्चे बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि सिनेमा का बाल मन पे, अपरिपक्व मन पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कही सुनी बातें उन्हें भी नहीं पता कि उनके मन पे कितना गहरा असर करेंगी। और साथ ही साथ जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आज तो पूरी दुनिया खुली है उनके सामने, तो जब भी देखते हैं कि सात समंदर पार किसी बने हुए सिनेमा में एक बच्चा उन्हीं की तरह से वैसे ही खेल खेल रहा है, उसकी भी माँ वैसे ही उसका इंतज़ार कर रही है, वैसे वो भी पढ़ रहा है, आगे बनने के सपने देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि बाल मन एक जैसा है। बच्चों के जो कहना चाहिए सपने हैं, बच्चों की उड़ान, वो पूरी विश्व में सबकी एक जैसी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है सब कुछ कि वाकई वसुधैव कुटुंबकम। तो मुझे लगता है ये ग्लोबल जो एक फॉर्मेट है फिल्म्स को यहाँ पे दिखाने का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट है। मैं बल्कि उनसे मैंने अनुरोध किया कि ये इतना आप लोग विलक्षण काम कर रहे हैं ख़ास बच्चों के लिए, तो कम से कम उनके माता पिता को भी यदि आप लोग एक दिन बुला सके, या लखनऊ के ऐसे लोग जो टिकट लेके, मुझे लगता है वो टिकट लगाइए, वो टिकट लगा करके यदि देखना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें टिकट लेकर फिल्म देखी है, क्योंकि कारण सिर्फ ये था कि जो चयन की हुई फिल्मों की क्वालिटी देखने को मिलती थी वो ऐसे में कहीं नहीं मिलती थी। आजकल नेटफ्लिक्स है, OTT है, माता पिता को भी नहीं पता बच्चों को कहाँ रोके क्या दिखाएं, लेकिन एक स्कूल जो बुकिश नॉलेज के अलावा आपको सिनेमा दिखलाए, और ये सिनेमा भी पहले देखे हुए हैं, यानी कि उन्हें तय किया गया हाँ ये बच्चे देख सकते हैं, तो आपको किसी को चिंता नहीं करनी है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कारवां चलता रहेगा और फिल्म फेस्टिवल के बहाने आप बहुत सारी दुनिया भर की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।